देखिए फतेहाबाद से इस वक्त सामने आ रही सरसों की खरीद न होने से किसान यहां से परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों में रोष यहां देखा जा रहा है और फतेहाबाद के बच्चू इलाके में सड़कों पर आए हैं किसान। और देखिए स्थिति किस तरह से दयनीय हो गई है, किसानों को भी प्रशासन और सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरसों की फसल की खरीद शुरू हो। बच्चू में हिसार रोड पर कई गांवों के किसान सड़क पर आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल फूलनाई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, यहाँ किसान गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके सरसों की फसल की जो खरीद है वो नहीं हुई है। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास, क्या कारण रहा? क्योंकि देखिए 20 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, 15 अप्रैल से सरसों की फसल की खरीद शुरू हो चुकी थी, तो इतना वक्त क्यों लगा? इलाके में जो आज किसान सड़कों पर आ गए और किसानों में जो काफी रोष था और सरकार के खिलाफ जमकर जो नारेबाजी किसानों द्वारा की गई, किसानों का कहना था कि सुबह 8 बजे से हम मंडी में आए हैं और प्रशासन द्वारा बुलाया गया था कि जो सरसों की खरीद होनी है उसको लेकर, लेकिन किसानों का कहना है कि लेकिन दोपहर तक अभी तक कोई खरीद नहीं हुई, ना ही कोई मार्केट कमेटी की तरफ से उनके पास कोई कर्मचारी आया और इसको लेकर जो किसान जो सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। थोड़ी देर पहले दुष्यंत चौटाला द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनके द्वारा भी यह स्पष्ट कहा गया था कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और किसान का जो दाना दाना खरीदा जाएगा। सरसों की फसल के बारे में भी दुष्यंत चौटाला द्वारा कहा गया था कि जो किसान की जो सरसों की फसल है उसको भी सही तरीके से खरीदा जाएगा, लेकिन हकीकत जो फतेहाबाद के जो बच्चू इलाके में देखने को मिली और कहीं ना कहीं यह बयां कर रही है कि किसानों की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किसान भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, पहले गेहूं की फसल के लिए लगातार वो जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि सरसों की फसल की खरीद भी किसानों की